नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट, उत्तराखंड के शहरी विकास और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते हैं कि आखिर उन्हें ही क्यों निशाना बनाया गया। प्रेमचंद अग्रवाल पहली बार विवाद बढ़ने के बाद अब मीडिया के सामने आए हैं और मीडिया से मुखातिब होते ही उन्होंने स्पष्ट रूप से सवाल पूछा कि जो व्यवस्था, जो परंपरा विधानसभा में हमेशा से चली आ रही थी, उसी परंपरा का उन्होंने पालन किया तो वो क्यों सबके निशाने पर आए हैं। अब प्रेमचंद अग्रवाल ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? क्या प्रेमचंद अग्रवाल के सवालों का जवाब मीडिया देगा या अग्रवाल साहब के सवालों के जवाब राज्य सरकार देगी या भारतीय जनता पार्टी की इकाई देगी? ये सवाल जब प्रेमचंद अग्रवाल पूछ रहे थे तो बहुत सारे तर्क अघोषित रूप से सामने थे। कांग्रेस तो निशाने पर थी ही, अपनी ही पार्टी के दो पुराने अध्यक्षों पर भी एक तरीके से अग्रवाल साहब ने कटाक्ष किया। अब ये पार्टी को तय करना है कि प्रेमचंद अग्रवाल के सवालों का क्या जवाब उनके पास है। विवाद जितना बढ़ता गया, प्रेमचंद अग्रवाल उतने ही निशाने पर आते गए, इससे ही वो ज़्यादा आहत हैं। वो बार बार कहते हैं कि वो उत्तराखंड में पैदा हुए, उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राजनीति में अपने युवा काल से ही सक्रिय हैं और अब उनके ऊपर आक्षेप लगने लगे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ सबके जहन में था कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा देंगे, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर कई तरीके के नैतिकता के दबाव की कहानी भी बनाई गई थी। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल आला कमान से मिलने के बाद देहरादून में ही मौजूद हैं और प्रेमचंद अग्रवाल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से और आला कमान के आशीर्वाद से अब वो पूरा का पूरा फोकस अपने मंत्रालय पर कर रहे हैं। देखिए प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कहा, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब विषय समाप्त हो गया, अब इसको ज्यादा उसके बारे में क्या टिप्पणी करनी है। आज की तारीख में मैं आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, अपने हाई कमान के आशीर्वाद से अभी मैं, मेरा जो फोकस है कैसे मेरे शहरी विकास में काम हो, कैसे मेरे वित्त मंत्रालय में काम हो, कैसे मेरे जो विभाग है उसमें काम हो, अब मेरा फोकस उस पर है। चलिए, अब विषय समाप्त हो गया, अब इसको ज्यादा उसके बारे में क्या टिप्पणी करनी है। आज की तारीख में मैं आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, अपने हाई कमान के आशीर्वाद से अभी मैं, मेरा जो फोकस है कैसे मेरे शहरी विकास में काम हो, कैसे मेरे वित्त मंत्रालय में काम हो, कैसे मेरे जो विभाग है उसमें काम हो, अब मेरा फोकस उस पर है। तो आपने सुना किस तरीके से, किस विश्वास से प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। और एक बार आपको फिर से बताऊं कि जिस वक्त विवाद बढ़ा था, उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल एक बार मीडिया के जब सामने आए थे, उन्होंने मीडिया के सवालों के जब जवाब दिए थे, तो उसके बाद विवाद ज़्यादा बढ़ गया था। उस समय प्रेमचंद अग्रवाल ने तर्क दिया था कि भर्ती करने का विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था। इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ज़्यादा निशाने पर आए थे और उसके बाद से प्रेमचंद अग्रवाल ने किसी मीडिया से किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं की है। लगभग एक महीने का पूरा कालखंड बीत चुका है, मीडिया से बचते बचाते हुए ही प्रेमचंद अग्रवाल ने शासन स्तर के तमाम काम निपटाए, अपनी विदेश यात्रा पूरी की और अब वो वापस देहरादून में आए हैं, अपने काम को पूरी तरीके से संचालित करने में व्यस्त हैं। उनका ये बयान बताता है कि क्या उनकी अपने शीर्ष नेतृत्व से बात हुई होगी और किस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया होगा। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर इतना प्रपंच क्यों रचा गया, इतना हो हल्ला क्यों मचाया गया? प्रेमचंद अग्रवाल अपनी जगह सही हो सकते हैं कि उन्होंने भी वही काम किया जो उनके पूर्ववर्ती विधानसभा के अध्यक्षों ने किया था, लेकिन उनके पूर्ववर्ती अध्यक्षों के कामकाज पर कभी इतनी उंगली नहीं उठी जितनी प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में भर्तियों को लेकर हल्ला हुआ। और साथ साथ कांग्रेसी नेता जो कुंजवाल साहब थे, गोविंद सिंह कुंजवाल, वो भी निशाने पर थे। लेकिन अब
ऐसा लगता है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस भरोसे के साथ बयान दिया है वो इशारा करता है कि शीर्ष नेतृत्व का उन्हें कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हो चुका है। तो आगे देखेंगे कि किस तरीके की राजनीति उत्तराखंड में देखने को मिलती है और जो सवाल प्रेमचंद अग्रवाल ने उठाए हैं या पूछे हैं उनका जवाब वास्तव में कौन देता है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले वही दो आग्रह हमेशा की तरह, यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।